हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। इसमें देखिए, मैं एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जिसमें जितने भी कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं वो मैं क्वेश्चन का सेट दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। उसमें लिखित रूप में क्वेश्चन आएगा। ये वही क्वेश्चन होंगे जो पूर्व में हमने इसमें वीडियो क्वेश्चंस के डाले हैं, जीके के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे होंगे, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट के टॉपिक्स होंगे। ये वही होंगे जो आपको पहले से इसी चैनल पे डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, या मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एक वेबसाइट है www.questions.motivative.com, इस पे इंग्लिश में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको, हर तरह के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, MCQ, नेट के लिए, IAS PCS के लिए, ग्रुप सी आर्मी पुलिस के लिए। और एक है questions.oneliner.study.com, इस पे आपको हिंदी में मिल जाएंगे सारे मटेरियल्स। तो ये सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें जीके का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसका आंसर आपको करना है। और ये कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कभी मैं जीके का, कभी हिस्ट्री का, कभी करेंट का अपलोड करता रहूँगा। और इसका टाइम हमने स्पेशली बनाया है और मैं इसको अपलोड करूँगा शाम में, करीब 6 से 7 के बीच में। तो आप लोग इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका क्या लेवल है। और आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जाहिर सी बात है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं इससे और काम करने की इच्छा जगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इसकी ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम में आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और इसमें जो भी क्वेश्चन हैं ये पहले पूछे हुए हैं, जा करके आप देख लेंगे। वैसे एग्ज़ाम में आम तौर पे आते हैं तो आप कर लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो पहला प्रश्न लेते हैं, संश्लेषित रेशा है ए रेयन, बी रेशम, सी सेलुलोज, डी ऊन। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक इवेल्युएशन प्रोग्राम है। दूसरा प्रश्न, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरा प्रश्न, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है ऊर्ध्वापत्तन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण और आसवान। चौथा प्रश्न, एंजाइम सहायक होते हैं ए श्वसन में, बी भोजन के पाचन में, डी प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, डी प्रजनन में। पांचवा प्रश्न, बांस किस कुल का पौधा है ए फल, बी तना, सी पत्ता और डी घास। छठा प्रश्न, पौधे के किस भाग में जूट की प्राप्ति होती है फल ए फल, बी तना, सी पत्ता, डी फूल। सातवां प्रश्न, लौंग प्राप्त होती है ए जड़ से, बी तने से, सी पुष्प कलिका से, डी फल से। आठवां प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। नौवां प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर, डेसिबल में बैरोमीटर।
इस तरह के प्रश्न से आपको पता चलेगा कि आप कितना सही उत्तर कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर उत्तर करें। 10वां प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तरंग में, श्रव्य तरंग में, डेसिबल में, बैरोमीटर में। 11वां प्रश्न, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं सीधा, डी काल्पनिक एवं उल्टा। 12वां प्रश्न, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर विलियम हार्वे, बी सर हॉकिंस, डी डॉक्टर लुई पाश्चर, सी डॉक्टर लुईस पाश्चर, डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। 13वां प्रश्न, किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। 14वां प्रश्न, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है ए 99 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 101 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 102 डिग्री सेंटीग्रेड। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है, ए लाल, बी बैंगनी, सी हरा, डी बैंगनी। 16वां प्रश्न, सूर्य प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी बैंगनी। 17वां प्रश्न, एपी कल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से, लाख का कीट पालन से, रेशम का कीड़ा से। 18वां प्रश्न, मलेरिया रोग होता है ए मादा एनोफिलीज द्वारा, बी नर एनोफिलीज द्वारा, सी एड्स एजिप्टीज द्वारा, डी क्यूलेक्स द्वारा। 19वां प्रश्न, सबसे बड़ा फूल है रेफलेशिया, वोल्फिया, लुडोसिया, सिकोया। 20वां प्रश्न, 21वां प्रश्न, खैरा रोग का संबंध किससे है, धान से, कपास से, गेहूं से, गन्ना से। तो ये रहा, इसका आप उत्तर करेंगे। थैंक यू।